कटिहार के कोढ़ा विधानसभा क्षेत्र में एक सभा को संबोधित करते हुए तेजस्वी यादव ने मंच से ये कह दिया कि अगर आप बीमा भारती को नहीं चुनते हैं तो आप एनडीए को चुन लो, मतलब एनडीए को वोट दे दीजिए लेकिन पप्पू यादव को नहीं। क्या तेजस्वी यादव कभी एनडीए उम्मीदवार को जिताने की बात कह सकते हैं? तो आप कहेंगे नहीं, लेकिन ऐसा हुआ है। क्यों हुआ ये बाद में बताएंगे, पहले तेजस्वी यादव का बयान सुनिए। या तो एनडीए या तो इंडिया की लड़ाई है, या तो आप इंडिया को चुनो, और इंडिया को अगर नहीं चुनते हो बीमा भारती को तो आप एनडीए को चुन रहे हो। साफ बात। सुना आपने, कटिहार के कोढ़ा विधानसभा क्षेत्र में एक सभा को संबोधित करते हुए तेजस्वी यादव ने मंच से कह दिया कि अगर आप बीमा भारती को नहीं चुनते हैं तो आप एनडीए को चुन लो। साफ बात है, अब तेजस्वी के बयान पर सियासत तेज है। जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने तंज कसते हुए कहा कि तेजस्वी यादव राजनीतिक तपिश के शिकार हो गए हैं, हताश हो चुके हैं, हताशा में बयान दे रहे हैं। संतोष कुशवाहा जी की तो जीत 2014 में भी हुआ था, 19 में भी हुआ था, 2024 में होगा। बीजेपी ने तेजस्वी पर हमला बोलते हुए कहा कि तेजस्वी यादव क्या एनडीए को जिताएंगे, एनडीए तो हर जगह जीत रही है। वहां में तेजस्वी यादव ने तो कमाल कर दिया, जो बात वो सपनों में देखते हैं वो बात को चुनावी सभा में बोल रहे हैं। ये हकीकत जान चुके हैं कि उनके जो इंडिया गठबंधन के लोग हैं इनके पास में कोई वोट कोई बिहार में बचा नहीं है। आपको बताएं कि बिहार में दूसरे चरण की 5 लोकसभा सीट में सबसे कड़ा और बड़ा मुकाबला पूर्णिया सीट पर दिख रहा है। यहाँ मौजूदा सांसद और जेडीयू प्रत्याशी संतोष कुशवाहा, आरजेडी प्रत्याशी बीमा भारती और निर्दलीय प्रत्याशी पप्पू यादव के बीच त्रिकोणीय मुकाबला है। पप्पू यादव के निर्दलीय मैदान में उतरने से आरजेडी उम्मीदवार बीमा भारती की मुश्किलें बढ़ गई हैं। यही नहीं, पप्पू यादव कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के मौन समर्थन का दावा भी कर रहे हैं। यही वजह है कि तेजस्वी यादव पूर्णिया में लगातार सभाएं कर रहे हैं और एक सभा को संबोधित करते हुए तेजस्वी यादव ने मंच से यहां तक कह दिया कि अगर आप बीमा भारती को नहीं चुनते हैं तो आप एनडीए को चुन लो। न्यूज 18 के लिए कटिहार से सुब्रत गुहा की रिपोर्ट। अब इंडिया नहीं तो एनडीए पर पप्पू नहीं वाले बयान को समझते हैं। तो देखिए, आरजेडी को एमवाई समीकरण की पार्टी माना जाता है, यानी माना जाता है कि आरजेडी के 20 वोट बैंक यादव और मुसलमान है। बिहार में यादव जाति के सबसे बड़े नेता हैं लालू प्रसाद, और माना जाता है कि यादव जाति का ज्यादातर वोट लालू प्रसाद की वजह से आरजेडी को जाता है। बीजेपी नेता आरोप लगाते हैं कि लालू प्रसाद का परिवार नहीं चाहता कि बिहार में यादव जाति का कोई और बड़ा नेता आगे बढ़े, और यही वजह है कि यादव जाति के किसी और नेता को ज्यादा बढ़ने से रोकने की कोशिश होती है, चाहे वो रामकृपाल यादव हो या पप्पू यादव। पप्पू यादव पूर्णिया से कांग्रेस के टिकट पर एंटी अलायंस से चुनाव लड़ना चाहते थे। इसके लिए पप्पू यादव ने अपनी पार्टी का कांग्रेस में विलय करा लिया, यहां तक कि लालू प्रसाद से जाकर आशीर्वाद भी ले आए, लेकिन पूर्णिया सीट कांग्रेस की बजाय आरजेडी के खाते में चली गई। पप्पू यादव का आरोप है कि उन्हें चुनाव लड़ने से रोकने के लिए ऐसा किया गया, फिर भी पप्पू यादव ने निर्दलीय चुनाव लड़कर पूर्णिया की लड़ाई को त्रिकोणीय बना दिया है। अब अगर पप्पू यादव चुनाव जीत जाते हैं तो वो सीधे सीधे लालू प्रसाद के परिवार को चुनौती देने लगेंगे, और यही वजह है कि तेजस्वी यादव ने साफ साफ कह दिया है कि अगर मुझे नहीं वोट दोगे तो एनडीए को वोट दे दो लेकिन किसी और को नहीं।